Motion, i'm just imposing that you give it to me and just be only भाई आ सुनाओ क्या हुआ और तो भाई बहुत काम कर करके थक गई मत पूछो ईद क्या आने लगी है बकरा ईद के मैंने पूरा घर सफाई कर दी जाले उतार दिए झाड़ू मार दिए कपड़े बाहर निकाल दिए एक एक चीज साफ कर डाली और मियाँ को बोल बोल थक गई मियाँ जी मियाँ जी आज थोड़ी हेल्प करा दो थोड़ी हेल्प करा दो पर मियाँ जी जो है वो सुनने का नाम ही नहीं लेते मुंह में पान दबाए चबाई जा रहे चबाई जा रहे चबाई जा रहे और एक कोने में बैठे हुए कह रहे हैं खुद ही कर लो खुद ही कर लो खुद ही कर लो अरे ऐसा थोड़ी होता है कम से कम उठ जाओ काम करा लो अभी भूख लग जाएगी भुक्कड़ा भुक्कड़ा लग जाएगा इनको और फिर कह देंगे ला दे दो रोटी खाने को टुक्कर पानी दे दो टुक्कर पानी अरे टुक्कर पानी के लिए मुझे आवाजें देते रहेंगे अभी बोल रही हूँ आप पेटी खोल ले पेटी से कपड़े निकाल ले ईद सर पर आई खड़ी है आई खड़ी है आई खड़ी है मैंने अपने कपड़े निकालने हैं साड़ियां निकालनी है लहंगे निकालने हैं पहनकर देखो तो सही कौन सा अच्छा वाला लगेगा पर ये तो सुनने का पर भाई ये सुनने का नाम ही नहीं ले रहे बस पान चबाई जा रहे एक पान खत्म नहीं होता दूसरा पान बूम मुंह में चला जाता है और खाए जाते हैं खाए जाते है, खाए जाते और मैं गरीब औरत घर के काम भी कर रही हूँ झाड़ू बर्तन भी कर रही सब कुछ कर रही हूँ अरे सासू माँ आती हूँ रुक जाओ क्या हो गया है एक तो मेरी सास ने मुझे आराम से बैठने भी नहीं देती है बस कहती रहती काम करो काम करो काम करो अरे सारा दिन काम कर करके थक जाती हूँ इसको जरा भी मुझ पर तरस नहीं आता मेरी सास को क्या करूँ भाई सास माँ जो होती है ना So, आ रही हूं माँ जी आ रही हूँ रुक तो जाए जरा वीडियो बना लू थोड़ी सी मैंने वीडियो अपलोडिंग करनी है वीडियो ना डाली तो कोम नहीं आएंगे कोमड नहीं आएंगे तो पैसे भी नहीं आएंगे चार पैसे लाऊंगी तो पान लाख के दूंगी ना रुक जाओ so, देख लो जरा सुनती नहीं है सुनती नहीं है कह रही है मुझे चाय का एक कप बना दो अरे सुनते हो क्या चाय का एक कप तो बना दो अम्मा जी को मांग रही है चाय तुम्हारी अम्मा जी प्यारी अम्मा जी थोड़ा मक्खन भी तो लगाना पड़ता है ना हाँ एक कप मेरा भी बना देना अरे मेरे अच्छे मियाँ प्यारे मियाँ अम्मा के लिए चाय बना रहे हो तो मेरे लिए भी एक कप चाय बना दो बड़ा भला होगा तुम्हारा हाँ भाई हाँ मक्खन लगाना पड़ता है ना अम्मा के लिए जो चाय बना रहे हैं तो मुझे भी बना के दे दे तो मैं भी तो आराम से बैठ के चाय पी लू थोड़ी इंजॉय कर लू अपनी लाइफ को अरे क्या करूँ सुनते नहीं है मानते नहीं है बोल बोल थक जाती हूँ हाथ मेरे थक जाते हैं बहन काम कर करके क्या दुखड़ा सुनाऊं क्या मैं दुखड़ा सुनाऊं मुझे तो मेरे घर में भी नहीं जाने देते कहते हैं अगर ये चली जाएगी तो घर का काम क्यों करेगा अरे मुझे नुकरानी समझाओ भाई घर का काम कौन करेगा सुबह उठ जाओ ये कर दो पोचा मार दो बर्तन धो दो अरे छोड़ अरे लल्ले क्या कर रहे हो इधर आ जाओ हाय अल्लाह उसने देखो सुसु कर दिया पजामे में अब मुझे उठकर उसका सुसु साफ करना पड़ेगा कपड़े धोने पड़ेंगे हाय अल्लाह एक तो इतनी जोर से बारिश हो रही है ऊपर इस लल्ले के बच्चे ने क्या कर दिया अरे सुनते हो देखो इसका पजामा तो बदल दो अरे तो मेरा मियाँ मेरा सुनता नहीं है मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं कहाँ चली जाऊँ है ईद की वजह से एक तो मेरे पहले काम एक तो मेरे बच्चों ने मेरे नाक में दम करके रखा हुआ है इस नाक में दम करके रखा हुआ मैं क्या करूं सारे घर में जो गन डालते फिरते हैं और एक छोटा सा लल्ला है ये सुसु वसु कर देता है पोटी कर देता है हाय मैं क्या करूं फिर मुझे जो इसके पजामे हैं वो धोने पड़ते हैं बहन मत पूछो जो इसने तबाही डाल रखी है अरे सुनते हो या नहीं सुनते हो पिचपिच बाद में कन्ना मुंह में पान दबाए तुम क्या करते रहते हो हाय अल्लाह जी मुंह में पान डाले क्या करते रहते मेरी तो बिल्कुल भी नहीं सुनते मैं कह रही इधर आओ ना ज़रा सुनो जरा बैठो तो सही मेरे पास अरे चाय बना ली दो चम्मच चाय में चीनी डाल देना ज्यादा मत डाल देना दूसरी बार जो पिछली बार का था चाय बना दो तो पत्ती डाल के इतनी ज्यादा बना दी और अम्मा जी को दूध पत्ती बना दी भला देखो जरा मुझे दूध पत्ती की जरूरत है और देखो और खुद बैठे चाय पे चाय चाय पे चाय दूध पत्ती पी रहे मैंने कहा अरे इसमें तो पत्ती नहीं है तो कहता है दूध जो पी रहा हूं तो दूध पत्ती हुई ना बेगम आह अच्छा भाई खुश रहो हाँ भाई खुश रहो जहाँ भी रहो क्या करें भाई अब अम्मा अबा ने भिहा दिया अब आ गए हैं इस घर में बैठ गए हैं भाई झाड़ू बर्तन करेंगे और क्या करेंगे रोएंगे धोएंगे और क्या करेंगे इससे अलावा और हम क्या कर सकते हैं और क्या भाई बकरा ईद आ रही है बकरा ईद की मार मार के कह रही हूँ भाई मुझे ला दो मुझे ला दो बकरा ला दो गाय ला दो कुछ तो ला दो अल्लाह के बंदे कुछ भी नहीं ला कर दे रही ऊपर से मुझे शॉपिंग भी नहीं करा रहे कल मैं गई थी मर के दो सूट लेकर आई बताया तो था सिस्टर हाँ ना दो और क्या अल्लाह अल्लाह करके दो सूट लेकर दिए और आज देख लो आज ने लिए बड़े अच्छा सा सूट लेकर आए बॉक्सी का सूट लेकर आए सीरियसली हाँ मैंने कहा तो कितना अच्छा लगूंगा तुम्हें तो अच्छा थोड़ा परफ्यूम लगा लूंगा थोड़ी घड़ी पहन लूंगा कितना अच्छा लगूंगा ना तुमको हाँ मेरे देखो कितने अच्छे लाकड़ो है अपने लिए इतने अच्छे अच्छे सूट लेकर आ रहे मैंने अगर कह दिया तो मेरे लिए मुझे कहते अरे हाँ तुम लोग देख रहे हो ना मैं कहाँ बैठी हूँ अरे छुप कर बैठी हुई कमरे में ताकि कोई मेरी बात एक कमरे में बैठी हुई किसी को पता लग गया मैं क्या बातें कर रही हूँ दिल की भड़ासे निकाल रही हूँ अपने दिल के फपोले भोड़ फपोले भोड़ मैं क्या करूँ लेकिन चलो कोई बात नहीं जो भी हुआ ठीक ही हुआ है सही है भाई दिल के फपोड़े फोड़ लेती हूँ एक कोना ढूंढ लिया मैंने इधर आज बैठ गई मैंने कहा चलो दिल की थोड़ी बातें कर लूँ अपनी प्यारी प्यारी बहनों से क्यों बहन बताओ ना ठीक है यूँ ना तुम्हारे साथ यही होता है ना सुबह उठ जाती हूँ सारा दिन काम 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 करती रहती हो रात हो जाती है फिर रात को सोने को भी नहीं मिलता एक छोटा इधर से उठा लेता है एक छोटा उधर से उठा लेता है बीच में एक छोटा बीच में आकर सो जाता है सूसू वसू कर देता है फिर उसको उठाना

अच्छा भैया तो बहुत ही बातें होगी बहुत लंबी लंबी बातें होगी क्या करूँ कभी मेरा कैमरा इधर चला जाता कभी कैमरा इधर चला जाता बस क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रही कैमरा कहाँ रखू क्या करूँ दिल में इतनी भड़ास है इतने दिल के फोड़े हैं इतने दिल में फोड़े हैं इतनी बातें हैं दिल में कि बोल बोल के बोल बोल कैमरा के, कभी लेफ्ट को कभी राइट को कभी लेफ्ट को कभी राइट में जा रहा है अच्छा चलो कोई बात नहीं बस आज ये बातें इतनी है बहन क्या करूँ काम भी तो करना है ना अभी रात का खाना भी तैयार करना है मी ने कहा है उसको भाई खाना खाना है मैंने तो बड़ी मक्खन मखन वखन लगाया बड़ा मैंने कहा भाई मेरे लिए बना दो मेरे लिए चाय बना दो अपनी अम्मा के लिए बना दो मेरे लिए भी बना दो पर सुनने का तो नाम ही नहीं लेते हैं हाँ मैंने कहा अच्छा बच्चू कोई बात नहीं मेरी भी बारी आएगी फिर बताऊंगी तुमका गिन -गिन के बदल लूंगी गिन गिन के अभी खायर खामोश हो जाती हूँ अभी तो मैं जाती हूँ किचन में जाती हूँ कुछ निकालती हूँ निकलती हूँ क्या निकालू क्या बनाऊँ ही बना लेती ले देखे एक चिकनी है जो जली बन जाता है तो चलो भाई अपना ख्याल रखना बहनों और दुआ करना मेरे लिए एक तो बकरा आ जाए ऊपर से मेरे घर के काम खत्म हो जाए ईद जो सर पे आई खलोती है आई खलोती है हाँ तो क्या आई खड़ी है तो चलो नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगी क्या बनाती मुझे भी नहीं पता